हर चुनाव कहीं ना कहीं बाजार पर भी अपना असर छोड़ता है। अगर बात गुजरात के चुनावों की हो तो स्वाभाविक है असर थोड़ा लंबा भी होता है। ये ठीक चुनावों से पहले और चुनावों के बाद तक काफी दिन तक रहेगा, ऐसी उम्मीद तो देखी जा रही है, समझी भी जा रही है। तो इस समय ये कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये समझ पाएं कि इस चुनावी समर के बीच में, खासकर इस गुजराती चुनाव के समर के बीच में, बाजार क्या सोचता है, क्या जान रहा है। क्योंकि मार्केट को ये माना जाता है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, ये पहले से ही भांप लेता है हर घटना को जो घटने वाली है। तो कुछ एक अहम मुद्दे जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं, बीजेपी हारी तो कितनी गिरावट आएगी, बीजेपी जीती तो कितनी गिरावट आएगी, वित्तीय घाटे की चिंता को नज़रअंदाज करना कितनी अहम बात है, रिफॉर्म की प्रक्रिया और जीडीपी ग्रोथ ये कैसे तालबद्ध होकर आगे चलेंगे, वैल्यूएशन की चिंता, ऊंचाई पर मुनाफा वसूली होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ बाजार के इर्द गिर्द और चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इन 5-6 बड़े मुद्दों पर आज हम इस कार्यक्रम को फोकस करते हुए बाजार की दिशा भापने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 14 तारीख को इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन दिखाने लगेंगे, तो उसके बाद क्या बाजार की दिशा रह सकती है, 15 तारीख को उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, 18 तारीख को एक्चुअली नंबर आ जाएंगे, ये बाजार क्या 18-20 तारीख तक ऐसे ही चलेगा, ये समझने का मुद्दा है। इसलिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, चुनावों को और बाजार को बहुत गंभीरता से जाना है, एक्सपीरियंस से अपने उन्होंने समझा है, इसलिए इन दोनों से आज हम चर्चा करके बाजार की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ संजीव भसीन है। संजीव जी, शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए, और शुक्रिया हमारी रिक्वेस्ट मान के आपने आज समय हमको दिया, आपसे बातचीत होगी। और मेरे साथ निपुण मेहता भी हैं। निपुण तो खैर गुजरात में भी हैं और गुजराती भी हैं, और साथ ही साथ निपुण के साथ एक और अच्छी चीज़ भी है कि चुनाव और बाजार को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए आज निपुण जो भी बोलेंगे ये आपके बहुत पते की बात होने वाली है। तो दोनों मेहमानों का शुक्रिया आज हमको समय देने के लिए। तो संजीव जी, आपसे शुरू करें, ये चुनाव का फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट अब हो रहा है, सेकंड फेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बाजार ने कुछ इंडिकेशन दिए, पहले थोड़ा टूट गया था, मार्केट के एनालिस्ट ये कह रहे थे कि जगह बन रही है, निफ्टी जगह बना रहा है, इस चुनाव को एडजस्ट कर रहा है, पिछले 2 दिन में नीच का बयान आया, बाजार ऊंच पे हो गया, ये बाजार ऐसे ही चलेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे? हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो देखिए, मार्केट 10,400 के लेवल पे लास्ट हफ्ते 10 दिन था, और उसके बाद एक ग्लोबली मार्केट में थोड़ी सी अनइजीनेस आई है, और साथ में हमारे लिए आरबीआई की पॉलिसी और गुजरात इलेक्शंस, ये दोनों की अटकली आगे आ गई, और हमने देखा एक बहुत अच्छा नफा वसूली का सेशन हुआ जहां से निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट घटा, और 10,000 पे वहां पे काफी सपोर्ट मिला है। और अब अटकलियां, जैसे आपने कहा, रूमर मॉन्गरिंग और मार्केट की इलेक्शन के ऊपर, नंबरों के ऊपर फेरबदल होएगा, लेकिन अंडरलाइंग मैक्रोज ये बता रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, जीएसटी का रेवेन्यू जो आना था वो उम्मीद से कम है, इसलिए स्टेट को एक्स्ट्रा बोरो करना पड़ रहा है, और थर्डली ऑयल प्राइसेस आपको इंडिकेट कर रही है कि बॉन्ड यील्ड यस्टरडे हिट द हाईएस्ट लेवल्स इन द लास्ट 6 मंथ्स, तो इट इज टेलिंग यू कॉस्ट ऑफ मनी इज गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव, और इस कारण से अर्निंग्स को फैक्टर करने में मार्केट में थोड़ी सी घबराहट आ रही है, इस कारण से फॉरेनर्स हैव बीन रेगुलर सेलर्स इन द लास्ट 1 वीक, और अभी भी वो थोड़ा सा ग्लोबली इन्वायरमेंट के साथ एक प्रेशर बनाए रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाता है जो हमारा पॉजिटिव है, वो है एक वॉल ऑफ लिक्विडिटी जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लोकल इन्वेस्टर से आई है, और जो किसी भी फॉल को खरीदने के लिए बैठे हैं। तो मार्केट में अच्छा ये एक मुकाबला है बिटवीन द बुल एंड द बेयर्स। इलेक्शन का वर्डिक्ट जैसे जैसे पास आएगा उस तरह से उतार चढ़ाव होएगा, लेकिन 18 तारीख तक आपको उतार चढ़ाव के सेशन दिखेंगे, इसका मतलब अगले 5 दिन में बाजार ऊपर 10,400 तक जा सकता है और नीचे 10,000, इस रेंज में रहने की आशंका है। ठीक है, तो 18 तारीख जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, शायद बाजार 10,000 को तोड़ेगा नहीं, 10,400 के ऊपर जाएगा नहीं, अभी तक तो ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। निपुण, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। जब जीएसटी को लेकर चर्चा शुरू हुई थी ना सर, उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी कहीं घिर ना जाए, बाद में वित्त मंत्री 3 बार गुजरात गए, कई नेता गुजरात पहुंच गए, जीएसटी में सरकार ने बड़े बदलाव किए, ये जीएसटी चुनावी मुद्दा तो है, ये जीएसटी बाजार के लिए भी मुद्दा है सर? अगर इस बार बीजेपी हार गई तो बाजार जीएसटी के नाम पर अपने आप को कमजोर करेगा सर?
निपुण, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? शायद निपुण तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसे उनसे कनेक्ट होगा ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं संजीव जी, अगर मार्केट को रेंज में रहना है तो ये रेंज क्या ये आगे भी जारी रह सकती है? क्या सिर्फ गुजरात चुनावों तक ही समझे कि ये 400 पॉइंट की रेंज है? हाँ, तो उसके लिए भी एक आपको संभावना दे दें कि अगर आपकी बाजार में इलेक्शन वर्डिक्ट 120 वोट से कम आया बीजेपी की विक्ट्री का और बहुत क्लोज रहा, तो आई थिंक एक बारी के लिए 10,000 टूट के 9,800-9,700 तक जा सकती है निफ्टी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक पॉजिटिव वर्डिक्ट अगर 120 वोट्स का आया तो आई थिंक मार्केट कैन गो एंड रीटेस्ट द प्रीवियस हाईस। लेकिन अगर ये चुनाव बहुत क्लोज रहा और कहीं ना कहीं से कोई ऑपोजिट रिजल्ट आ गया तो मार्केट में एक बारी के लिए वीकनेस आएगी। ऑन द बैक कि अब आपको पता है 2018 ऑलमोस्ट आने वाला है और उसके बाद आपके पास एक साल डेढ़ साल में फिर री इलेक्शन है और उस कारण से गवर्नमेंट पे प्रेशर रहेगा ऑन पॉपुलिस्ट मेजर्स विच कैन बी हार्मफुल फॉर द फिस्कल डेफिसिट इन द शॉर्ट रन, और रिफॉर्म्स का इतना जो मुद्दा है वो शायद ना ज्यादा दौर पकड़ सके। ठीक है संजीव जी, एक्चुअली मैं इसी क्वेश्चन पे आना चाहता था, अगर बीजेपी जीत गई तो क्या प्रोग्रेसिव रिफॉर्म होगा जिसको बाजार बहुत अच्छा समझता है, बहुत अच्छा जानता है, लेकिन अगर थोड़े कमजोर रह गए तो पॉपुलिस्ट रिफॉर्म होगा जिसको बाजार बिल्कुल अच्छा नहीं मानता और उस पर रिएक्शन देता है? ये जीत हार ही तय करेगा कि हम प्रोग्रेसिव होंगे या फिर पॉपुलिस्ट रिफॉर्म होगा। हाँ बिल्कुल, तो देखिए ऑलरेडी बीजेपी सरकार ने काफी बोल्ड मेजर्स लिए हैं, पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी, अब इनका इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रेशन पे समय लगता है और हमने देखा इन द शॉर्ट टर्म बिजनेस और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफी दबाव पड़ा है विच हैज सीन दैट द पॉपुलैरिटी हैज डिप्ड ऑल्सो। ये क्योंकि सारा कुछ स्टेट्स का सेंटर को बेयर करना पड़ता है उसके ऊपर इन द शॉर्ट रन काफी दबाव रहेगा, लेकिन हमें लगता है बीजेपी के जो भी रिफॉर्म्स प्रोसेस है वो काफी कांस्टेंट हैं और उन्होंने हर जगह से इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दी है। हाउएवर आपको पता है जैसे होता है कि चुनाव से पहले ज्यादातर पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं एंड सो ऑन, वो थोड़ा सा बाजार पे एक अटकली लगा सकते हैं। दूसरी बात डिम्पी ये भी है कि बाजार आज 23-24 टाइम्स वन ईयर फॉरवर्ड जो ट्रेड करता है वो इतना सस्ता भी नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है, अर्निंग्स इतना कैचअप नहीं कर चुके और इस कारण से एक वॉल ऑफ लिक्विडिटी मार्केट को थोड़ा सा उसका प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वो काफी स्ट्रेस्ड है, तो करेक्शंस कभी भी आ सकते हैं ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स, ड्यू टू इंटरनल, और वो आई थिंक एक बारी के लिए अगर ये नेगेटिव वर्डिक रहा या कोई नेगेटिविटी अनसर्टेनिटी रही तो 97-98 पे हमें लगता है निफ्टी एक बारी जरूर डिप कर सकता है। ठीक है, निपुण मेहता भी इस बीच मेरे साथ है। निपुण, जीएसटी को लेकर मेरा एक सवाल है कि जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो कि चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है क्योंकि पहली बार किसी फुल फ्लेज स्टेट में वो चुनाव लड़ रही है इतने ज्यादा बदलाव के बाद जो जीएसटी में उसने किए हैं। हार गए तो जीएसटी की वजह से बाजार भी कमजोर होगा, जीत गए तो यही जीएसटी बेहतर मान के बाजार भी तेज हो जाएगा। निपुण, टिम्पी मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ जीएसटी की वजह से वो ब्लेम किया जाएगा वेदर हार होती है जीत होती है। आई थिंक एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर जरूर रहा था जीएसटी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो भी डेफिसिट्स रह गए थे, डेफिशिएंसीज रह गए थे, लेकिन देखें करंटली तो जिस तरह से रेवेन्यूज जीएसटी के आ रहे हैं स्टेबल नहीं है, वेरी क्लियरली हमने एक डिप ग्रेजुअली देखा है जो फर्स्ट मंथ था उसके बाद, बट अदर देन दैट आई थिंक एज द नेक्स्ट 3 or 4 months गो एक जीएसटी में जिस तरह से एक स्टेबिलिटी आएगी आई थिंक दैट्स नॉट अ की फैक्टर, इट हैज बीन अ ट्रबलसम फैक्टर जो इलेक्शन का एक मुद्दा बन चुका है, लेकिन इट्स नॉट अ की फैक्टर जिसकी वजह से कोई इलेक्शन कंप्लीटली हार या जीत हो जाए इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली स्मॉल ट्रेडर्स को भी पता है कि इसको उनको बेनिफिट ग्रेजुअली इसका मिलना है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़ है निपुण जो मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहता था, क्योंकि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे ना बिगुल बच जाएगा बजट का भी, ये बैठकों का दौर तो शुरू हो ही गया है। कल ही एसोचैम के कुछ अधिकारी वित्त मंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि जीएसटी के दायरे में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी ले आइए, कुछ ऐसे रिफॉर्म
सरकार कर लेगी इस दिसंबर के एंड एंड में पूरे होते हुए, क्योंकि फरवरी में बजट आना है, जनवरी में नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, मार्केट उस पर भी रिएक्शन देगा, तो ये माने पूरा दिसंबर काफी एक्टिव रहने वाला है सरकारी रिफॉर्म पे नजर के तौर पर भी? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि 18 तारीख को दोनों स्टेट के रिजल्ट्स आ जाएंगे, गुजरात हिमाचल दोनों के। उसके बाद अगर किसी कारण से एक सरप्राइज वर्डिक्ट आता है और बीजेपी की हार होती है, तो एक बाजार का मानना ये हो जाएगा कि एक तरफ तो एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है और डिप हो सकता है कि जीएसटी की वजह से डिप हुआ, या फिर फिस्कल डेफिसिट जो डेटा आ रहा है, इन्फ्लेशन जो भी डेटा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ये सब की वजह से शायद एक हार हुई। बट मोर इम्पोर्टेंटली एक किस तरह से बजट में पॉपुलिस्ट मेजर्स आ सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल से कम रहेगा लोकसभा इलेक्शंस के लिए 2019 में, तो उसके उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से स्पेंडिंग होता है। ऑलरेडी हमने भारतमाला और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख लिए, अनाउंसमेंट हो चुका है जो जिसका बहुत तेज इंप्लीमेंटेशन होगा, लेकिन किस तरह से पॉपुलिस्ट मेजर्स आएंगे बजट में और उसके बाद किस तरह से रिफॉर्म्स तेजी से होंगे, किस तरह से जीएसटी का मोर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करके कंप्लायंस करके इसमें रेवेन्यूज कैसे बढ़ाई जाती है, ये सब पे ध्यान ज्यादा रहेगा। रिजल्ट तो ऑफकोर्स आएंगे जनवरी में, बट इन एंटिसिपेशन की जो सेप्टेम्बर क्वार्टर रिजल्ट आए और शायद ये कंटिन्यू हो जारी रहे दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स में, इस एंटिसिपेशन और जैसे जैसे जनवरी में रिजल्ट्स आते हैं, इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट्स बेटर होंगे, जीडीपी ग्रोथ वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम बजट में कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लाते हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं होता है, तो इस आशा में मार्केट्स ऊपर एक जरूर जा सकते हैं। बट देयर कुड बी, इफ देयर इज अ सरप्राइज रिजल्ट, देयर कुड बी अ सीरियस 4-5% डिप दैट कुड कम अप। ठीक है संजीव, आप मार्केट के जो मोमेंटम होता है उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं। ठीक, चुनावों से पहले जितनी भी गुजरात बेस्ड कंपनियां थी काफी चली, काफी ने दौड़ लगाई, सभी ने कहा कि इंसेंटिव होंगे, बीजेपी रिकॉल कर जाए वापस आ जाएगी, जो कि पोल हमको लगातार दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे। उसके बदौलत इन कंपनीज ने काफी ऊंची छलांग लगाई है प्राइस टर्म्स में, ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा क्या जैसी वोटिंग खत्म हो जाएगी? आज 9 तारीख और उसका 14 तारीख दोनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगा ये गुजरात वाली कंपनियों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटली आपको पता है कि गुजरात की कुछ कंपनियां तो बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुकी हैं, द लाइक्स ऑफ जीएनएफसी, गुजरात हैवी केमिकल, मैं काफी नाम ले, गुजरात पेट्रोनेट, तो ये शहरों में तो इनहेरेंटली बहुत ज्यादा ग्रोथ है और ये ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर में है जैसे गेल हुआ या आईजीए, क्योंकि इनके यहाँ तो एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है और गैस यूटिलिटीज और केमिकल्स इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी है। असाइड फ्रॉम दैट इवन फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल, और हमें नहीं लगता शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर से इतना ज्यादा इन पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी डिप होएगा तो लेने की अपॉर्चुनिटी है। हाउएवर इन द शॉर्ट रन जैसे आपको पता है बाजार का जैसे अटकलियां लगेंगी और जैसे जैसे एक अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो दे विल बी पार्ट ऑफ दैट, लेकिन अगर बाजार चला तो दे हैव बीन आउट परफॉर्मर, हमें लगता है वहां पे भी लेने का मौका होगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी सो मच सस्पेक्ट टू व्हाट द गवर्नमेंट हु विंस द इलेक्शन, क्योंकि आगे की पॉलिसी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आपको पता है ग्रोथ के बिना कोई आपको वोट नहीं देगा और कोई आपका सराहना नहीं करेगा इन द शॉर्ट टर्म, स्लाइटली इन द लॉन्गर टर्म। ठीक है, अच्छा संजीव एक और चीज है जिसको आप अर्निंग्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, इस बार की अर्निंग्स कैसे रह रही हैं? क्योंकि गुजरात चुनाव कंप्लीट होते ही अर्निंग्स का भी ना आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो देखिए पहली बात तो डिम्पी, लास्ट ईयर के ईयर ऑन ईयर इफेक्ट से इस बारी अर्निंग्स बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है डीमोनेटाइजेशन एंड दैट सारा इवेंट प्ले आउट किया था। हाउएवर इन द शॉर्ट रन क्योंकि क्रूड प्राइसेस हैव स्पर्टेड, तो कुछ इनपुट कॉस्ट पे कई इंडस्ट्रीज को प्रेशर पड़ सकता है, साथ में आप ये लेके चलिए कि बॉन्ड यील्ड्स हैव अगेन स्पर्टेड अबव 7% विच इन द शॉर्ट रन एज अ डेटरेंट टू क्रेडिट, तो आई थिंक एक मिक्स्ड बैग आएगा। हमें लगता है ये स्लोली 8-10% तक की ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, जो आगे जाते हुए आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ 2018 हमें लगता है 15-17% तक की भी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि एक लैग इफेक्ट है, गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है लेकिन प्राइवेट कैपेक्स उस तरह से बन नहीं रहा और गवर्नमेंट ने काफी स्पेंडिंग किया जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से काफी लागतें और जॉब्स बढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स इज मिसिंग और वो एक लिंक है जो आई थिंक आगे जाते हुए बढ़िया हो जाएगा। हमें लगता है 8-10% तक की आपको ग्रोथ रेट दिखनी चाहिए फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स।
ठीक है, 8 से 10% की ग्रोथ रेट दिखनी चाहिए। कुछ एक सेगमेंट ऐसे भी होंगे जो शायद थोड़ा री रेट भी हो जाए, मार्केट इस चीज की भी वेट कर रहा है, जैसे कि सरकार कुछ भी रिफॉर्म लेके आती है उसकी री रेटिंग भी काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट निपुण, भारतमाला प्रोजेक्ट और कई ऐसे रिफॉर्म्स की सरकार ने भी बात की है, मैं इसको जरा चुनावों के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि गुजरात के चुनाव नहीं है अब तो 2019 तक चुनाव ही है, तो मार्केट ये इन सब चुनावों को कैसे देखेगा, उन रेवड़ियों को देखेगा या फिर सरकार के प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को देखेगा? आई थिंक ओवरऑल मार्केट यही देखता है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किस तरह से होते हैं। एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में ये एक ड्रग की तरह है, उसे एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट जरूर मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स, लेकिन जिस तरह से लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जिस तरह से रिफॉर्म्स जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, उस पर मार्केट्स का मार्केट्स की नजर ज्यादा रहती है। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में जिस तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट है और कितनी तेजी से इंप्लीमेंट होता है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, सेक्टर्स कुछ हैं जिसकी वजह से बहुत जिसपे इस तरह का 7 लाख करोड़ का जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट ने भारतमाला प्रोजेक्ट में, इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट भी है उसमें भी काफी स्पेंडिंग है, और जितने इसका जितना शॉर्ट टर्म में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है, उसका एक कैपिटल गुड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई सेक्टर्स हैं जिसपे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से आई थिंक कोई भी सरकार आज समझती है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेंडिंग ना हो, रिफॉर्म्स ना हो, इकोनॉमी में प्रोग्रेस ना हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोग्रेस ना हो, तो तब तक उनको डेवलपमेंट ना हो तब तक वोट मिलना मुश्किल है। सो आई थिंक दैट्स द फोकस नॉट जस्ट इन द बजट बट इवन बियॉन्ड बिफोर ऑल दीज इलेक्शंस आर प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कैपिटल गुड्स हो गया, इंफ्रा हो गए, कुछ एक ऐसे सेक्टर्स जो आगे चल के और भी चल सकते हैं। संजीव, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता था, अगर मेरे को कोई एक सेफ सेक्टर यहाँ पे दिख रहा हो, मैं सिर्फ बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, दोनों के मैनिफेस्टो में एक बात तो कॉमन दिखेगी जरूर, वो है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहते हैं, जैसे निपुण भी कह रहे हैं कि इसके बिना तो सर्वाइवल ही नहीं है, तो माने कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी थीम होनी चाहिए, माने ऑटो हमारी थीम होनी चाहिए, माने कुछ कैपिटल गुड्स वाले सेगमेंट हमारी थीम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, उस कारण से आप ही के चैनल पे हम काफी समय से कुछ पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर ही जिक्र करते थे, अगर नाम लेना चाहे तो एनबीसीसी इंजीनियर्स इंडिया, जो एक गवर्नमेंट की ही कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो बहुत स्ट्रांग जिनका ऑर्डर फ्लो है और जो पैन इंडिया बेसिस पे सबसे अच्छा जिनके पास ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन है, और साथ में हमें पता है कि ये एक ऐसा एसेंट है जहां पे ना इनको बाहर के कोई मैक्रोस का फर्क पड़ता है और ना कोई इनको पैसे के उतार चढ़ाव से, तो दे आर वेरी वेरी कॉन्स्टेंट बिजनेसेस, और इनमें तो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, बिल्ड इंडिया इज समथिंग विच इज अ थीम, तो चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे जैसे आपने कहा कैपिटल इक्विपमेंट स्टॉक हो, या बिल्ड इंडिया ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड बिल्डिंग, ये सब बहुत दारोमदार है और ये चलना है विदाउट एनी इनकम्बेंस, वेदर इट्स अ बीजेपी और द कांग्रेस, क्योंकि जैसे आपको कहा कि सबसे बड़ा थीम ये है कि ग्रोथ विकास की ही बात होने वाली है इस चुनाव पे और आगे जाते हुए, और जो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा अच्छा पिक्चर देगा उसे पता है कि आगे अगर 5 या 10 साल उसने रहना है तो उसको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। इस कारण से हम तो कह रहे हैं इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू बी, और अगर ये अटकली की वजह से कोई भी आपको डिक्लाइन मिले, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छा संजीव, एक और चीज है, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ना रिएक्शन बहुत फास्ट आता है और बहुत अच्छा आता है, और निवेशकों को ना थोड़ा अट्रैक्ट भी करता है, लुभाता भी है, थोड़ा ऐसा भी कुछ होगा कि हमको थोड़ा फ्रंटलाइन कंपनी से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए और थोड़े स्मॉल कैप और मिड कैप में आ जाए, क्योंकि अगर ये ग्रोथ, अगर ये मॉडल, विकास का मॉडल नीचे तक आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा मार्केट के हिसाब से तो मिड कैप और स्मॉल कैप को ही मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अ वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि मार्केट्स थोड़े स्ट्रेस लग रहे हैं ग्लोबली, इवन द ट्रंप टैक्स रिफॉर्म्स एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स ऑलरेडी डाउ में भी बिल्ड हो चुके हैं, और डाउ इनफैक्ट इज नाउ कंसोलिडेटिंग स्ट्रोक करेक्टिंग, और तेल की जो उछाल है वो वहीं रुक नहीं रही, वो वहीं के वहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म ब्लिप डाल सकता है। इस कारण से हम कहेंगे कि अपनी स्टॉक सिलेक्शन ध्यान से कीजिए, इन द शॉर्ट रन दे आर सर्टन लार्ज कैप्स जहां हम प्रेफरेंस करते हैं, बिकॉज वो वैल्यू फॉर मनी इसलिए हैं कि उनमें डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, वो अपसाइड भी स्लोली स्लोली देंगे। मिड कैप्स में द ओनली प्रॉब्लम इज, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है और उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट हाई होती है,
तो अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी सी भी खराब हुई और मार्केट घटी तो वो मार्केट से ज्यादा घट सकते हैं। तो इस कारण से अभी हमारा रुझान यही रहेगा टू बी इन सर्टन लार्ज कैप स्टॉक्स वेयर वी हैव प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट एंड वेयर द विजिबिलिटी इज क्लियर इन द नेक्स्ट टू ईयर्स। ठीक है संजीव, एक क्वेश्चन आपसे और है। अब इतना बेहतर मौका है, इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है, तो मैं आपसे ना सिर्फ 5 शेयर जानना चाहता हूं। आप मिड कैप के, स्मॉल कैप के, लार्ज कैप के, भले इकट्ठे भी कर देंगे ना तो मेरे लिए काम चल जाएगा। आप मेरे को 5 शेयर का एक पोर्टफोलियो दे दीजिए कि ये 5 शेयर आपको लेने हैं, इस चुनावों के दौरान लेने हैं, चुनावों के बाद भी लेने हैं, ये 5 शेयर कौन से हैं? हाँ, तो पहला नंबर है ITC का। हमें लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल FMCG स्ट्रोक सिगरेट स्टॉक्स, जो पेपर, होटल और FMCG में काफी दबाव बना रही है असाइड फ्रॉम देयर पेरेंट बिजनेस ऑफ सिगरेट्स। वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, ITC इज आर टॉप पिक। उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसको थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है बिकॉज ऑफ द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स, लेकिन जिसकी ब्रांड और फ्रेंचाइज और बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, हमें लगता है ये शेयर की आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है फॉर 20% अपसाइड। तीसरा होएगा HCL टेक्नोलॉजीज, अगेन हमें लगता है IT सेक्टर में ये एक दिग्गज स्टॉक है, इसके नंबर्स और मार्जिन विल बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री और इससे ₹1 के अगेंस्ट आपको एक प्रॉक्सी में मिलता है। चौथा होएगा NBCC, ये एक हमारा फेवरेट शेयर है मिड कैप का, जिसने काफी अरसे से ऑलमोस्ट 5-bagger है इन द लास्ट 3 ईयर्स, और हमें अभी भी लगता है ये शेयर नेक्स्ट 2 साल में 50% का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये पैन इंडिया प्ले है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ Tier 1, Tier 2 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितनी जमीन है, और इसके पास ऑर्डर इनफ्लो बहुत स्ट्रांग है। और पांचवा होगा एक छोटा सा डायवर्जेंट प्ले, Aurobindo फार्मा। इंजेक्टेबल्स में इसका बिजनेस सबसे हाईएस्ट है और अभी रिसेंटली इसको 2-3 बहुत पॉजिटिव FDA अप्रूवल्स मिली हैं। शेयर का रिस्क रिवॉर्ड प्राइस्ड एट 15-16 टाइम्स बहुत फेवरेबल है। हमें लगता है ये जो 5 शेयर की बास्केट है काफी सेक्टर्स भी कवर करती है और आपके लिए एक प्रेजेंस बनाती है बिटवीन मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स। ठीक है, पांचों के पांचों शेयर एक बार आपके स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे हैं, मैं आपको वापस नाम बता देता हूं। ITC के अंदर आप खरीदारी करके चलें, HCL टेक में निवेश कर सकते हैं आप, LIC हाउसिंग होगा एक और शेयर, NBCC में एक चुनाव आप देख सकते हैं, ये चौथा शेयर आपके लिस्ट में होना चाहिए, और साथ ही एक फार्मा की कंपनी है Aurobindo फार्मा, आप यहां पर भी ध्यान रखें। तो 5 शेयर की बास्केट है, ये चुनावों के समय, चुनावों के भी बाद आप इन पर ध्यान रख सकते हैं। निपुण मेहता भी मेरे साथ बने हुए हैं। निपुण, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आने वाले राज्यों में कई और चुनाव भी होंगे, जैसे हमको कर्नाटक भी जाना होगा, हमको राजस्थान में भी चुनाव देखने हैं, ये जब चुनाव जब तक चलते हैं ना, कुछ साइकिल बनाने वाली कंपनियां या चुनाव से सीधा सरोकार रखने वाली कंपनियां जैसे कुछ FMCG, तो इन सभी कंपनीज पर भी मोमेंटम दिखेगा जो इलेक्शन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सरकार के पॉपुलिस्ट रिफॉर्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। FMCG कंपनियां और ये सब जो कंपनीज ज्यादातर हैं जो साइकिल बेस्ड हैं, या ये इलेक्शन से इसमें एक टेम्पररी ब्लिप होता है, इसमें कोई मेजर बेनिफिट नहीं मिल जाता है। okay. जो बेनिफिट मिलता है वो क्लियरली जो सरकार का स्पेंडिंग होता है, जिससे आइदर थ्रू रिफॉर्म्स और फॉर लार्ज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो होता है उसी कंपनीज को और उसी सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा ये है कि सरकार के स्पेंडिंग के वजह से जो FMCG कंपनीज को या रूरल एरियाज में जो स्पेंडिंग होता है वो रूरल स्पेंडिंग की वजह से जो एरियाज में स्पेंडिंग, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्शन के बेसिस पे हो, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में जो स्पेंडिंग हो रहा है उसकी वजह से जो उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट FMCG कंपनीज को या रूरल स्पेंडिंग का होता है, उसमें जो अगर आप साइकिलों की और इस तरह से बात करें तो मोर इम्पोर्टेंटली 2-wheelers, 4-wheelers में ज्यादा स्पेंडिंग होता है, उसमें उस कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होने की संभावना है, नॉट नेसेसरली प्योरली रिलेटेड टू इलेक्शंस। ठीक है, 2-wheeler हो गया, कुछ कंजम्पशन वाले थीम हो गई। निपुण, मेरे को मालूम है आप शेयर्स तो नहीं बताएंगे कि कौन कौन से शेयर सीधे खरीदने हैं, लेकिन निपुण फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर आपसे कुछ इंडिकेशन लेना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम ज्यादा ध्यान दें, मैं उसी से आइडिया ले लूंगा आप क्या बात कहना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है हमको इस चुनावों के बाद और चुनावों के समय में भी। देखिए रिम्पी, अगर अगला 1.5-2 साल देखें, अगले जब लोकसभा चुनाव होंगे उसके रनअप के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग क्लियरली गवर्नमेंट ने लेआउट करके रखा हुआ है। सो मेरे हिसाब से जिस तरह से
इंफ्रास्ट्रक्चर में वेरी सिलेक्टिवली जो कंपनीज अंडर लेवरेज्ड हैं, जो कैश रिच हैं, जिसके पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, उसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई है. मैं समझता हूँ उसमें ये सेक्टर में पूरा रीरेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है आगे जाके, जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा. तो ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years आई थिंक वन स्पेस यू शुड वेरी क्लियरली फोकस ऑन. बिसाइड दैट ऑफकोर्स जो रूरल स्पेंडिंग की वजह से FMCG कंपनीज हैं, जो कंजम्पशन स्पेंडिंग होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, उसमें एक काफी स्टॉक्स में रनअप हुआ है, लेकिन आगे जाके भी उसमें ऑब्वियस क्लियर बेनिफिट्स है. एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है उसमें एलाइड इंडस्ट्रीज जो है बिल्डिंग मटीरियल्स की हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस है, उसमें एक ऑब्वियसली क्लियर बेनिफिट मिल रहा है. ये सब है जो है वो ऑब्वियस इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, रिफॉर्म्स की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से होगा. लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन बेट भी जो अगर देखने हो तो सिलेक्टिवली IT और फार्मा में जो कंप्लीटली बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, लेकिन जिनमें एज एन एग्जांपल IT कंपनीज में बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इनमें कैश ऑन द बुक्स काफी है, इसमें एक वर्चुअल बॉटम आउट हो चुका है और इसमें एक अंडर ओनरशिप टू सम एक्सटेंट है, तो कॉन्ट्रेरियन बेट के लिए बोथ IT एंड फार्मा सिलेक्टिवली भी देख सकते हैं. ठीक है, IT, फार्मा, कुछ FMCG कंपनियां, आप इन पे ध्यान रख सकते हैं. ये निपुण की भी रिकमेंडेशन है. संजीव जी आपका शुक्रिया, निपुण आपका शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ के हमको ये समझाने के लिए कि चुनाव और बाजार का इसमें कनेक्शन क्या है. तो हमारी कोशिश, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आएगी, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर सरोकार, यानी कि चाहे चुनाव हो चाहे गैर चुनाव वाला बाजार हो, उससे कहीं ना कहीं जहाँ भी मुनाफा छुपा है आप तक जरूर लेके आए. फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही.